बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं इफ्तारी स्पेशल चने दाल के वड़े। बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, खाने बहुत टेस्टी है। पूरी वीडियो देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप चना दाल ली हूँ। इसको खूब अच्छे से हम वॉश कर लेंगे 3 पानी में। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको हम पानी डालकर भिगा के रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये भीग जाएगी। इसको ढककर रख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह दाल भी बहुत अच्छे से भीग चुकी है, एकदम फूली है। इसको आप मैं चेक करके बताऊँगी, देख सकते हैं अच्छे से टूट रही है। अब इसको हम पीस लेंगे। एक मिक्सर का जार ली हूँ, उसमें डालेंगे हम चने की दाल। सारी दाल नहीं पीसेंगे, थोड़ी सी एक कटोरी भरकर दाल बचा कर रखेंगे। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। चने की दाल को भी फाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है। इस तरह से इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। इसमें अब डाल देंगे हम साबित चने की दाल। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है जब बड़े बनकर रेडी होते हैं। साबित चने की दाल बहुत अच्छे से क्रिस्पी होती है। इसमें थोड़े से हरे मसाले में देखिए हरी मिर्च है और कोथमीर है। एक बड़ा सा इसका प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें डाल देंगे। इसके बाद थोड़े से यहाँ पर सूखे मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक है, धनिया पाउडर, चाट मसाला और काला नमक और ज़ीरा पाउडर है। यहाँ पर धनिया पाउडर नहीं ली मैं, धनिया दरदरा सा कूट कर ली हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम वड़े बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है। इसको अच्छी तरह से गोल वड़े बना लेंगे इस तरह से। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर गोल दे दिया है क्योंकि एक्चुअली में वड़े गोल ही होते हैं वो, इसलिए मैं गोल ही बनाई हूँ। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। वड़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, अंदर तक अच्छे से पकते हैं। 5 मिनट अच्छे से पकने के फ्राई होने के बाद हम इसको पलटा लेंगे। देख सकते हैं हल्का सा कलर आ चुका है। इसी तरह से पलटा लेंगे। लगभग यहाँ पर देखिए अच्छे से पक चुके हैं, कलर माशाल्लाह अच्छे से आया है, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और इनको हम सर्व कर लेंगे। वीडियो को पूरा लाजमी देखिए, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होते हैं। इसी तरह से सारे वड़े हम बना लेंगे, एकदम क्रंची और क्रिस्पी होते हैं ये वड़े। प्लीज़ वीडियो को पूरी लाजमी तक देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चना दाल के वड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अंदर से एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रंची है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।